तो आज हम एक नए वीडियो में आए हैं जिसमें आपको हम कोरोना के बारे में जानकारी देंगे और ये बताएंगे कि कोरोना से कैसे बचें। तो हेलो दोस्तों, कैसे आप सब लोग। स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। तो आज का वीडियो एक व्लॉग नहीं होएगा बल्कि ये एक अवेयरनेस वीडियो होएगा जिसमें हम कोरोना से बचने के थोड़े दो तीन उपाय बताएंगे और उसको आप अच्छे से उसका पालन करिएगा। तो और बार बार सैनिटाइजर लगाइए और हैंड वॉश से हाथ धोइए और बार बार हाथ धोइए। अगर जाम से नहीं निकले ना तो हमें बुला लियो, हम निकलवा देंगे। तो हमारे आयुष्मान दोस्त एकदम सही कह रहा है कि अपने आप को सैनिटाइज करें और हैंड वॉश से हाथ धोते रहें और मास्क लगाएं। तो दोस्तों ये है मास्क जो कि कई लोग नहीं लगा रहे हैं। और ये हमने अपने मुंह पे फोटो नहीं लगा रखी है, देखो निकाल के भी दिखा देता हूँ। ये एकदम रियल मास्क है। तो ये देख लो, ये मास्क कई लोग नहीं लगा रहे हैं जो तो उनके लिए मैं कहना चाहता हूँ कि जरूर से जरूर मास्क लगाएं क्योंकि अब ये बीमारी एकदम ज्यादा फैल चुकी है। अब की बार तो ये इंडिया में ही ज्यादा फैल चुकी है, तो आप इसका ज़रूर पालन करें। ये मास्क है, आप इसको घर पर भी बना सकते हैं। तो अभी हम कुछ उपाय बताएंगे। जो अरमान ने क्या था वो बिल्कुल सही है। हाँ तो यार, आप लोगों को क्या करना है, करना कुछ नहीं है, आपको ज़्यादा से ज़्यादा इस वाली वीडियो को शेयर करना है, लाइक करना है और चैनल को सब्सक्राइब कर देना है क्योंकि हमारे 50 सब्सक्राइबर होने ही वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अरमान का रियल मुंह देख लो। तो हो गया हमारा फेस रिवील। तो चलिए, तो गाइस जैसा अरमान ने बताया, मास्क लगाते रहिए। और जो ज़्यादा लोग हैं वो शहर में मास्क लगाते भी नहीं हैं, सारी जगह भीड़ आती रहती है और जब पुलिस आती है तो एकदम से मास्क लगा के भागने जाते हैं। तो हमारा आयुष्मान दोस्त कहना चाहता है कि शहरों में अभी भी भीड़ है और वहाँ पर कई लोग मास्क का पालन नहीं कर रहे हैं और जैसे ही वहाँ पर पुलिस आती है सभी लोग मास्क लगा लेते हैं और भीड़ कम कर देते हैं। तो ऐसा बिल्कुल मत करिए, मास्क हमेशा लगाए रखिए। जब भी आप कहीं बाहर जाएं तो मास्क लगाए रखें। तो यार वैसे तो अभी तो हरियाणा में लॉकडाउन चल रहा है और आज है संडे, एक्सटेंड कर दिया गया था लॉकडाउन। तो कल मंडे 6 बजे सुबह के 6 बजे ये लॉकडाउन खुल जाएगा। तो फिर हमने भी अभी हैंडवॉश लगाए हैं, सुन के देख लो, क्योंकि हम तो हमेशा सेफ्टी रखते ही हैं। मम्मी तो बहुत चिंता करती हैं इसकी। हाँ तो आपको भी हमारे जैसे सेफ्टी रखनी है। वैसे तो सभी लोग सेफ्टी रख ही रहे हैं। तो यार अगर किसी को भी लक्षण दिखाई दे रहे हैं कोरोना के लक्षण दिखाई दे रहे हैं तो सबसे पहले तो डॉक्टर के पास जांच करवाएं अपनी। और थोड़ा सा भी कोरोना जैसा लगे, बुखार से लगे तो जल्दी से अपने डॉक्टर के पास पहुंच जाओ, चाहे थोड़ा सा भी लगे जल्दी से डॉक्टर के पास चले जाइए। अगर और मेरे थोड़ा और मेरा थोड़ा सा जुकाम हो रखा है पर। तो गाइस अरमान एक बार मम पूछने गया है पापा से कि उसने किसने बताया है क्या। तो आ गया हूँ मैं दोस्तों। तो अगर किसी को भी बुखार के लक्षण दिखाई दे रहे हैं तो घर पे मास्क लगा लीजिए ताकि घर के और सदस्य को ये बीमारी ना फैले। और अगर आपको कुछ भी सिम्टम दिखाई दे रहे हैं तो आप घर प्रिकॉशन लें। तो अभी हमारा आयुष्मान दोस्त कुछ कहना चाहता है। हम आपको अपने पापा का भी मुंह दिखाएंगे आपके घर। अरे इस पिछले वाले सीन को कट करते हो गलती से, मुंह से नहीं। एडिटर प्लीज कट कर देना पिछले वाले सीन को। हाँ तो आपको काढ़ा पीने हैं अगर आपको सिम्टम जरा। और अगर कड़वा लगे ना तो जोस बना लियो, गुस्सा बना लियो, गुस्सा। हाँ आपको काढ़े पीने, अगर किसी को खांसी या जुखाम है तो डॉक्टर के पास जाइए, दवाई लीजिए मतलब। और आपको होम प्रिकॉशन ही लेने चाहिए क्योंकि हॉस्पिटल में तो ऑक्सीजन की भी कमी है,
दिल्ली में तो बहुत ज़्यादा कमी है, यहाँ पर हरियाणा में तो इतनी कमी नहीं है, तो आपको होम प्रिकॉशन ही लेने चाहिए। अभी हमारा आयुष्मान कुछ आपको बताना चाहता है कोरोना के बारे में। तो बार बार हैंड वॉश हाथ धोइए और मास्क लगाए रखिए और प्रोटेक्शन करते रहिए और दूर दूर और 6 मीटर की दूरी बनाए रखिए। तो 6 मीटर तो नहीं, 1 मीटर या फिर 6 फीट की दूरी बनाए रखें। और अगर किसी को भी आपके आस पड़ोस में किसी को भी कुछ भी बुखार है तो उनसे मदद के लिए ज़रूर पूछने जाइएगा। और उनसे बात अगर वो नहीं माने कि मेरे को नहीं जाना डॉक्टर के पास, फिर भी आप उनको मनाते रहिए। हाँ, आपको उनको एक बार तो डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए, दूसरों की हेल्प करिए। अगर किसी को कोई ज़रूरत है तो उसकी ज़रूरत उनके अंदर थोड़ा सा हिम्मत डाल दियो अपना और कह दियो और उनको कह दियो कि थोड़ा हिम्मत बना, एक बार तो जातू तो कभी भी नहीं गया वैसे भी। और हाँ, ऐसा ही आपको करना है। तो अभी तो ऑक्सीजन की भी कमी हो रखी है हॉस्पिटल में और बेड की भी कमी है, तो ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाइए और अपने शहर में हरियाली रखिए, हरियाली रखिए जिससे ही ऑक्सीजन बनता रहे और एक दूसरे के। और हमने तो वैसे भी यहाँ पे पौधा लगा रखा है जिससे हमें रात को सोने में थोड़ा सा मिले अंदर। तो अभी हम आपको वो पौधा दिखाने वाले हैं और उसका नाम भी बताने वाले हैं, तो चलिए उसके पास लेके चलते हैं। तो गाइस हम जा रहे हैं, तो आपको थोड़ी थोड़ी हवा आ रही होगी क्योंकि हमने कूलर चला रखा है और एक पौधा तो यहीं पे ही है। तो अभी हम पौधे के पास आ चुके हैं, ये है वो पौधा, ये हम नया लाए हैं, इसको 3 ही दिन हुए हैं, तो ये देख लीजिए इसको अच्छे से आप। और ये वाला पौधा भी देख लो, और ये हमारा मनी प्लांट छोटा सा, वो हमारी रसोई। और तो ये वाला पौधा है, ये वाला, ये एक ऑक्सीजनल प्लांट है, ये पौधा, ताकि कभी हम यहाँ पे सोए तो यहाँ पे भी आएगी और वहाँ पे सोए तो वहाँ पे भी आएगी। तो ये एक ऑक्सीजनल प्लांट है और इसका नाम है अरिका पाम। और अगर हम कभी इधर सोने लग जाए तो इधर आती रहे और कभी उधर सोए तो उधर आती रहे। तो आप ये ऑक्सीजनल प्लांट अपने घर में जरूर लगाएं, इसका नाम है अरिका पाम, ये पास की नर्सरी में मिल जाता है। और डिसलाइक करके मत चला देना और वीडियो को बिल्कुल भी कट मत करना, पूरी देख के जाना और लाइक भी ठोक देना। हाँ, तो गाइस आज के लिए इतना ही, अगर किसी को सिम्टम दिखाई दे रहे हैं तो होम प्रिकॉशन लीजिए और हमें बताइए, पिए। आज के लिए इतना ही, बाय।